शेर दे पंजाब ढाबा कौलिया यहाँ रुके हुए हैं, जुम्मे की नमाज यहाँ पड़ी है, अब रवाना होंगे 4 बजे। जी जी, अभी 4 बजने वाला है। हाँ, ये भाई साहब ने हमें जुम्मा के लिए उनके काम में लेके गए, जयपुर गांव में नमाज पढ़ाई थी भाईजान को। जी, और साथ में गए थे हम। जी जी, कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, इनसे मुलाकात करने के बाद बहुत अच्छा लगा। जी बता दीजिए भाईजान, मैं भाईजान को लेके गया जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए, जुम्मे की नमाज पढ़ के वापस यहाँ आ गए हम। 4 बजे हम यहाँ से रवाना होंगे, विजयनगर लास्ट एक नाइट वहाँ रुकना। चलो चलो, आप जो 4 बजने वाला है, देखो बाहर इतना देखो, यहाँ एक भाई साहब झंडा पकड़ के, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मुश्ताक है, मैं रातागोड़ से हूँ, विजयनगर के पास में, गांव से रातागोड़ विजयनगर के पास में 15 किलोमीटर। जी जी जी, और वहाँ से देखने के लिए आए शिया भाई को। चलो शिया भाई को अस्सलाम वालेकुम, हमारे दुआ करना हमारे हक में। क्या नाम आपका? मोहम्मद समीर। सर मैं भिलवाड़ा से आया हूँ जी, सियाद भाई से मिलने के लिए आया हूँ। चलो चलो, मिलेंगे रसलन चला के आया हूँ, 50 किलोमीटर है यहाँ से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। जल्दी बताना, फैजान मंसूरी जी, विजय जी, बिलाल, सद्दाम हुसैन जी, मोहम्मद, मेरा नाम सलीम भाई साहब, मेरा नाम सलीम मोहम्मद है, विजयपुर का रहने वाला हूँ। जी जी, उमर दराज अल्लाह। सियाद भाई अभी निकलने वाला है, लेको देखो लोग रास्ता बना रहे हैं अभी, देखो माशाल्लाह बारिश भी हो रही है, देखो पुलिस वाला ना लोग हटा रहे, परेशान हो गए। देखो सुबह में इतना क्राउड लगेगा, अभी सभी को पता चल गया अभी निकलने वाला है, काफ़ी गांव से लोग आते रहे, देखो कई बीमारी है यूं बता दीजिए, तो देख ले हर बीमारी को बता, सारा इलाज करूँ। हाथ में है वगन का माल, भाई झंडा घुमाओ भैया, मदीना चलूं मैं, मदीना चलूं, नबी का घर है वहां मैं चलूं, ए मेरे मौला तू सुन ले मेरी, ये दिल से गुजारिश है कब से मेरी, वो कब दिन आएगा जब तू मुझे बुलाएगा अपने हबीब के घर, ये देखने को मेरा दिल है बेकरार, वो जब दिन आएगा देखने को, मदीने की जानिब मैं दौड़े चलूं, मदीने की गलियों में चलता रहूं, के शायद हुआ होगा मेरे नबी का गुजर वहां की गलियों से अक्सर वही, मदीना चलूं मैं, मदीना चलूं, नबी का घर है वहां मैं चलूं, ए मेरे मौला तू सुन ले मेरी, ये दिल से गुजारिश है कब से मेरी, वो कब दिन आएगा जब तू मुझे बुलाएगा अपने हबीब के घर, मदीने की जानिब मैं दौड़े चलूं, वहां जाके मैं यूं ही खो ही जाऊं, मदीना चलूं मैं, मदीना। यहाँ भाई ने वहाँ से निकल गया, बहुत क्राउड था ना भाई, कैसे लगा क्राउड? एकदम, ये भाई ने लिफ्ट दिया, क्या नाम आपका? शहादत मेरा नाम है। अच्छा, अब तो आगे आपका क्या नाम? गुलाबपुरा। सॉरी, आपका गांव? गांव का नाम गुलाबपुरा। गुलाबपुरा, अभी शहाब भाई गुलाबपुरा जाने वाला, कितना किलोमीटर होगा? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर, चलो देखते हैं आगे में, ठीक है।
हम लोग आबूचा से आए हैं शिहाब भाई के स्वागत के लिए। कैसे लगा आपको शिहाब भाई का सफर? बहुत अच्छा। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुश्ताक है, राजू का जी। आपका? अब्दुल सलाम नाम है मेरा जी, राहुल। ये हमारा भाईजान है। चलो कर देंगे फिर, कर लो। क्या नाम आपका? मेरा तो सिमू नाम है। क्या? सिमू। आपका? राजू। चलो बढ़िया है। केटीएम में है? बढ़िया। चलो दूसरा भाई साहब आ गया, क्या नाम आपका? सोहेब। आपका? आमिर। कैसे लगा शिहाब भाई का सफर? बहुत अच्छा लगा। चलो बारिश भी हो रहा है, शिहाब भाई आ रहे हैं माशाल्लाह। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك جب چلوں گا مکہ سے منا کی جانب میں میرے ہر قدم پہ لبیک کی یہ صدا ہوگی کیا حسین یہ منظر ہوگا کیا حسین سما ہوگا اے میرے اللہ میں یہاں آج حاضر ہوں میری ہر خطا کو آج تو معاف کر دے غموں کی دھوپ ہے میرے سر پہ اپنی رحمتوں کی چادر میں مجھ کو تو ڈھانپ لے کیا ہنسی سما ہوگا کیا ہنسی گھڑی ہوگی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك منى سے عرفات کی جانب میں اب چل پڑا ہوں ہم تو سنا کی صدا ہر طرف گونج رہی ہے کیا حسین یہ منظر ہے کیا حسین سما ہے ملی ہے مقدر سے یہ فضائیں مجھ کو اے میرے اللہ میں یہاں آج حاضر ہوں میری ہر خطا کو آج تو معاف کر دے غموں کی دھوپ ہے میرے سر پہ اپنی رحمتوں کی چادر میں مجھ کو تو ڈھانپ لے کیا ہنسی سما ہوگا کیا ہنسی گھڑی ہوگی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک شاہ بھائی جا رہے ہیں، کیسے لگا آپ کو؟ بہت اچھا لگا
बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुए हम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रफीक। अच्छा आपका नाम क्या? मोहम्मद हबीब जी। आपका? हंसराज आठ जी। जी भैया बताइए। जी भैया बता दीजिए कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई और बहुत खुशी की बात है। आपका नाम? हम भी 100 किलोमीटर दूर से चल के सियाबे का इस्तकबाल करना है। इस्तकबाल करना है। और नाम मेरा मोहम्मद जुनेद। मोहम्मद रफीक, मेरे को भी बहुत खुशी हुई सियाबे को 100 किलोमीटर से आया हूँ देखने के लिए। बड़ी खुशी मिली मुझे इनको देख के। भाई है ना बुलापुरा पहुंचने वाला है। भाई कैसे हो? बढ़िया है। क्या नाम आपका? साहिल। और आपका? तैयब भाई नाम है मेरा। जी आपका नाम? सद्दाम हुसैन नाम है, बुलापुरा है। जी आपका नाम? मेरा नाम यूनुस शाह। जी आपका नाम? अहमद रैया। शाहरुख भाई। मोहम्मद जुनेद। लबैक اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك जब चलूंगा मक्का से मीना की जानिब मैं मेरे हर कदम पे लबैक की ये सदा होगी क्या हसीं ये मंजर होगा क्या हसीं समा होगा ए मेरे अल्लाह मैं यहाँ आज हाजिर हूँ मेरी हर खताओं को आज तू माफ कर दे गमों की धूप है मेरे सर पे अपनी रहमतों की चादर में मुझको तू ढांप ले क्या हंसी समा होगा क्या हसी घड़ी होगी। अभी हम गुलाबपुरा पुल के नीचे पहुंचा है। क्या भाई आने वाला है? भाई कैसे हो? ठीक ठाक आ रहे हैं वो गाड़ी निकल रहा गाड़ी निकल रहा है रोशनी में करो इधर देखो बहुत बड़ा प्लाग है। क्या नाम है भैया? कैसे लगा? बढ़िया लगा। चलो देखो माशाल्लाह झंडा जा रहे है। देखो श्याप भाई के ना स्वागत करने के लिए वेलकम करने के लिए देखो ये झंडा इतना बड़ा है माशाल्लाह ये चलने वाला झंडा है। भाई बता दीजिए। बोलिए जनाब। क्या नाम आपका? मोहम्मद इरफान। ये झंडा के बारे में बता दीजिए। ये हमारे दिलों की जान है। अच्छा अच्छा वो तो मालूम है। हाँ। और किसने से बनाया ये? ये हमने बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ्रेम से बनाया हुआ 60 फीट का ऊपर है। 60 फीट है? हाँ। अच्छा लंबा। इसकी लंबाई? हाँ। चौड़ाई कितना है? ये 12 फीट है। चलो बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका? मोहम्मद इरफान। चलो काफी लोग है माशाल्लाह। शिहाब भाई आने वाला है इंशाल्लाह। लापुरा का लोग है ना बहुत अलग पहचान निकाला है। देखो इसके नीचे देखो इंडिया की चिरंदा है। क्या नाम होगा भाई साहब? खालिद मोहम्मद जी। आपका? आपका नाम? अख्तर रजा जी। माशाल्लाह। आपका? मोइनुद्दीन जी। आपका? सादिक हुसैन जी। आपका? आबिद हुसैन। इकबाल। इकबाल जी। बेटा नाम बता दीजिए। अहमद रजा। और भाई साहब आप श्याप भाई के वेलकम करने के लिए इस्तकबाल करने के लिए और क्या क्या यहाँ माहौल आपने क्रिएट किया? बहुत अच्छा है। विजयनगर गुलाबपुरा भरल संजय नगर के आदमी तिरंगा रैली निकालेंगे उनको अपने काम तक छोड़ के आएंगे काफ़ी अच्छा स्वागत होगा उनका। जी जी जी। उनके ठहरने की व्यवस्था? ठहरने की व्यवस्था खाने पीने की बाकी इंतजाम अच्छे हैं। पुलिस भी कोऑपरेट कर रही है। आप लोग उनके लिए दुआ करना है? बिल्कुल जी इंशाल्लाह। सफर आसान हो। सभी लोग दुआ करना है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्राउड आ रहे हैं। यहाँ भी बहुत ज़्यादा है पुल के नीचे। भाई नाम बता देना। इरफान पठान जी। आपका? फरीद बेग जी। बता। सिकंदर मोहम्मद जी। बाबा खान जी। इकबाल खान। वाजिद हुसैन। शाह भाई के लिए एक शेर है
जिसे बता दी पढ़ते आप। अभी तो जीत बाकी है, अभी तो कहीं हार बाकी है। शहाब भाई आने वाले हैं, हमारे विजयनगर और गुलाबपुरा वाले की तरफ से इस्तकबाल बाकी है। और ये झंडा के बारे में बताना, ये झंडा 80 फीट लंबा है और ये हमारी एक शान है। हम तिरंगा उनकी शिया भाई की इस्तकबाल के लिए हमने 2 घंटे से फलके बिछाए यहाँ पर खड़े हुए हैं। शिया भाई आने वाले हैं और हम उनके जुलूस की तैयारी करेंगे यहाँ से बाईपास से। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद रियाज नाम मेरा जी। चार मदीना चलूं मैं, मदीना चलूं, नबी का घर है वहाँ मैं चलूं। ए मेरे मौला तू सुन ले मेरी, ये दिल से गुजारिश है कब से मेरी। वो कब दिन आएगा जब तू मुझे बुलाएगा अपने हबीब के घर। ये देखने को मेरा दिल है बेकरार, वो जब दिन आएगा देखने को। मदीने की जानिब मैं दौड़े चलूं, मदीने की गलियों में चलता रहूं, के शायद हुआ होगा मेरे नबी का गुजर। वहाँ की गलियों से अक्सर वही, मदीना चलूं मैं, मदीना चलूं, नबी का घर है वहाँ मैं चलूं। ए मेरे मौला तू सुन ले मेरी, ये दिल से गुजारिश है कब से मेरी। वो कब दिन आएगा जब तू मुझे बुलाएगा अपने हबीब के घर। मदीने की जानिब मैं दौड़े चलूं, वहाँ जाके मैं यूं ही खो ही जाऊं। मदीना चलूं मैं, मदीना चलूं, नबी का। यहाँ भाई का जिस सफर अपडेशन मिलने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और आप लोग शेयर कर लेना। इंशाल्लाह आगे में आप लोग अपडेशन मिलेगा। थैंक यू।